संशोधन बिल सोमवार रात लोकसभा में पास हो गया। रात 12:04 पर हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े हैं। इस पर करीब 14 घंटे तक बहस हुई। विपक्षी दलों ने बिल को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब में कहा कि यह बिल यातनाओं से मुक्ति का दस्तावेज है और भारतीय मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। शाह ने कहा कि यह बिल केवल 3 देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए है और इन देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है क्योंकि वहां का राष्ट्रीय धर्म ही इस्लाम है। विधेयक राज्यसभा में कल पेश होगा। कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों ने बिल को धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला बताया है। AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी भी फाड़ दी। हालांकि इसे सदन की कार्यवाही से बाहर निकाल दिया गया है। समर्थन में भाजपा 83, बीजेडी 7, अन्नाद्रमुक 11, जेडीयू 6, नामी 4, अकाली दल 3, शिवसेना 3, आजाद व अन्य 11 है। इसमें पूर्वोत्तर के 2 सांसद शामिल नहीं हैं, जिन्होंने रुख साफ नहीं किया है। ये 2 सांसद वोटिंग के दौरान वॉकआउट करते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 120 रह जाएगा। विरोध में कांग्रेस 46, टीएमसी 13, सपा 9, वामदल 6, डीएमके 5, टीआरएस 6, बसपा 4 और अन्य 21 है। वहीं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने मंगलवार को गुवाहाटी में 11 घंटे का बंद बुलाया। इसकी वजह से सोमवार रात लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का पास होना है। छात्र संगठन के विरोध के समर्थन में बाजार बंद रहे, जबकि डिब्रूगढ़ और जोराहाट में प्रदर्शन के दौरान आगजनी भी हुई। आंसू के आह्वान पर सुबह 5 से शाम 4 बजे तक बाजार बंद रहे जाने की बात कही गई थी। क्षेत्रों में शुरू हुए विरोध के कारण असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। दरअसल नॉर्थ ईस्ट और राज्यों में रहने वाले लोगों को अपनी पहचान खोने का डर सता रहा है। क्षेत्र के कई संगठनों ने अपने अपने स्तर पर बिल का विरोध शुरू किया है। हालांकि नागालैंड इस विरोध में शामिल नहीं हुआ। इसका कारण वहां जारी हॉर्नबिल फेस्टिवल है। 16 लेफ्ट संगठनों ने असम में 12 घंटे बंद का आह्वान किया है। इसमें SFI, DYFI, AIDWUA, AISF, AISA और IPTA जैसे संगठन शामिल है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने राज्य में आज होने वाली समस्त परीक्षाएं स्थगित कर दी है। मंगलवार को लेफ्ट पार्टियों ने नागरिकता संशोधन बिल 2019 के विरोध में संसद परिसर में विरोध किया। नागरिकता संशोधन बिल 2019 गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का मौका प्रदान करता है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में किसी तरह की धार्मिक बाध्यता का सामना करने वाले लोग आवेदन दे सकते हैं। भारत में 5 साल रहने के बाद उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वर्तमान नियमों के अनुसार 11 साल बाद यह नागरिकता दी जा रही थी। सोमवार रात 12:04 पर लोकसभा में हुई वोटिंग के बिल के पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े। बिल पर करीब 14 घंटे तक बहस हुई। विपक्षी दलों ने इस बिल को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब में कहा कि यह बिल यातनाओं से मुक्ति का दस्तावेज है, भारतीय मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह बिल केवल 3 देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए है। सुनियो अमित शाह ने क्या कुछ कहा। मान्यवर, जो मैं बिल लेकर आया हूँ वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता देने का। मान्यवर, यहां कहा कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे, ये सबको मिलेगा। एक मिनट, तुम बैठ जाइए। हाय, प्लीज प्लीज, माननीय इनका जवाब मत दीजिए आप। मान्यवर, अब ये इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह बिल की जरूरत न पड़ती। आहत नहीं करता है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि ये 3 राष्ट्रों से भी अगर कोई मुसलमान, मुस्लिम सज्जन हमारे कानून के आधार पर एप्लीकेशन करता है तो ये देश खुले मन से इस पर विचार करेगा
परंतु उन लोगों को ये जो प्रावधान होने जा रहा है इसका फायदा इसलिए नहीं मिल सकता मान्यवर, क्योंकि उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है। ये निश्चित क्लासिफिकेशन के आधार पर बिल लेकर आया हूँ मान्यवर। मान्यवर आर्टिकल 371 एक मिनट प्लीज प्लीज मान्यवर आर्टिकल 371 का जिक्र किया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 371 के किसी भी प्रोविजन को ये बिल वायोलेट नहीं करेगा, इसको आहत नहीं करेगा, वो जस के तस वहां रहे। मान्यवर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी आर्टिकल कोट किए गए हैं वो सभी आर्टिकलों का ध्यान रखते हुए ही ये बिल को ड्राफ्ट किया गया है, और मैं मानता हूं कि सदन की कॉम्पिटेंसी के परव्यू के अंदर ही ये बिल आता है, इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति दी जाए। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना ने अब मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम नागरिकता संशोधन बिल पर आगे तब तक सरकार का समर्थन नहीं करेंगे जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो कोई असहमत है वह देशद्रोही होता है, यह उनका भ्रम है। यह एक भ्रम है कि केवल बीजेपी को ही देश की परवाह है। हमने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन में कुछ बदलाव के सुझाव दिए हैं, हम चाहते हैं कि राज्यसभा में इसे गंभीरता से लिया जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये शरणार्थी कहाँ रहेंगे, किस राज्य में रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। सभा आणि राज्यसभा सदस्यांकडून याची माहिती मी घेतो आहे, आणि जोपर्यंत प्रत्येकाने विचारलेल्या प्रश्नाची समर्पक उत्तर मिळत नाहीत तोपर्यंत ही मोठी भूमिका आहे। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह पिछले 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से देश में शरणार्थियों की तरह रह रहे 1 लाख से ज्यादा श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता देने पर विचार करें। उन्होंने ट्वीट किया, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश में पिछले 35 वर्ष से शरणार्थियों की तरह रह रहे 1 लाख से भी ज्यादा श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता देने पर विचार करें। रविशंकर ने यह अपील ऐसे वक्त में की है जब एक दिन पहले ही लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुआ है। गृह मंत्री जी शायद सही इतिहास नहीं जानते और शायद वो संविधान को भी ध्यान से नहीं, इसकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं कि कांग्रेस भी कम्युनियल पार्टी के साथ है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था, 1957 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम, उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को Government has initiated the bill, which is anti-Assam, is an anti-Assam. It does not carry the sentiment of people of Assam and the people of Northeast. So we are against this bill. JBD banquets lie here. Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।